सुबह सुबह बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर। अदर स्कूल स्वर्घाट में बर्डमैन नेपाल के नाम से पहचान बना चुके गौतम प्रसाद ने पक्षियों व पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्कूली बच्चों को जागरूक किया। आपको बता दें, गौतम प्रसाद में सैकड़ों पक्षियों की बोली की पहचान करने व विभिन्न पक्षियों की आवाज निकालने की अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है। 12 पक्षी ऐसे हैं जिनकी बोली वे बोल सकते हैं, बात समझ भी सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कौवे की आवाज निकालकर सैकड़ों कौवे के झुंड को एकत्रित कर दिया, जिसे देखकर बच्चे दांत तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। गौतम प्रसाद का सपना है कि वे अपना नाम गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराना चाहते हैं। स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों पर जाकर वे पक्षियों व पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ऐसा होता है। और तीसरा आ गया, और यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला पंछी रहा सुना है, आप लोग क्या बोलते हो? गुटारी। इसको इंग्लिश में बोलते कॉमन मैना, उनका अवसर होता है ना। सुना है आपने? सुबह सुबह बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर। ये तो बंदर का आविष्कार होता है। इसका मतलब ऐसा है, बंदर बहुत गुस्से में, इतना बड़ा बड़ा आवाज आए तो आगे मत जाना, बंदर आपको ही मार सकता है। हाँ, थोड़ी सी वेट करना, उसी बात चलना, कभी सारा बंदर इकट्ठा होकर शोर मचा करते नहीं सर। इसका मतलब ऐसा है, बंदर काम गुस्से में, बंदर शोर करते रहना, आप चलते रहना, आपको बंदर कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन बंदर का खतरनाक आवाज एक दाम ही सुना होगा। हम चलते रहते, छोटा छोटा बंदर का जिस तरह बोलते हैं सुना है। इसका मतलब ऐसा है, एक दो बंदर का बच्चा ऊ करने लगा तो ठीक है, आप चलते रहते हो, लेकिन बंदर को आंख कभी मत मिलाना। बंदर खाते थे ना, दांत ऐसा करते ना, मैं तो कभी झापड़ मार सकता है, सब कुछ करना, लेकिन बंदर को देखना नहीं, आप चलते रहना। दो तीन बंदर आए तो पत्थर मारना, लाट देना, भाग जाएगा। लेकिन 6-7 बंदर आए तो खुद भागना पड़ेगा। आप घर में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, 6-7 बंदर आपको काटने के लिए आ रहे, ऐसा करना, स्टेयर बैठना, दोनों हाथ मुट्ठी बटाना, थोड़ी सी झुकना, दांत एक आगे से बैठना। हाँ, 6-7 बंदर आपको काटने के लिए, पंछी ने गाना गा, इस तरह गाते लाने ये भी छड़ी वन टू पंछी पढ़ने वाला नहीं है, जस्ट इंटरटेनमेंट करने के लिए बनाया हूँ ये प्रोग्राम, इंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए नहीं था, बस ये प्रोग्राम था पंछी बचाओ पर्यावरण बचाओ। अगले साल जुलाई से हमारा प्रोग्राम देख सकते डिस्कवरी, हमारा प्रोग्राम का नाम है द बर्डमैन। कभी कभी आपको टाइम और समय होता है इंटरनेट पे, यूट्यूब में, गूगल में बर्डमैन ऑफ नेपाल टाइप भी चला, हमारा प्रोग्राम 1,00,000 से ऊपर मिलेगा। अभी मैं हिमाचल प्रदेश में प्रोग्राम कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम के लिए परमिशन डिस्ट्रिक्ट वाले बिलासपुर, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिलासपुर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिलासपुर की ओर से मैं कैंपेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ। हमारा मकसद एक ही है, पंछी बचाना, पर्यावरण बचाना, इन्वायरमेंट को उससे बढ़ा। लास्ट में प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट। सुना है आपने?